छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भाजपा नेता की हत्या के बाद से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी छाई हुई है। इसी कड़ी में आज भाजपा के नेताओं ने निर्वाचन आयोग में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है और जल्द से जल्द इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। साथ ही बस्तर और सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की भी मांग की गई है। बस्तर में भाजपा नेता की हत्या के बाद से ही मामला गर्माया हुआ है। इसी कड़ी में सांसद सुनील सोनी निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि भाजपा के जनप्रतिनिधि रतन दुबे जब सभा देकर लौट रहे थे तभी नक्सलियों ने उनकी हत्या कर दी, जिसकी शिकायत करने आज वो निर्वाचन आयोग पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि इससे पहले भी भाजपा नेताओं की ऐसी टारगेट किलिंग होती आ रही है, जिसकी शिकायत हमने की है और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारें आती जाती हैं, आने वाले समय में भाजपा की सरकार बन रही है, अगर वर्दी पहननी है तो ड्यूटी करें और निष्पक्ष रूप से चुनाव के अंदर अपनी भूमिका को पूरा करें। जब वो सभा देकर लौट रहे थे और नक्सलियों ने हत्या कर दी, 50 मीटर तक के दौड़े हैं और इस बात को हमने आज जो निर्वाचन के हमारे जो प्रमुख है उनके सामने हमने कहा कि इसके पहले भी कितनी टारगेट किलिंग हुई है। मैंने एक दर्जन आपके सामने में डेट वाइज प्रस्तुत किया था और हम लगातार इस मांग को कर रहे हैं और नक्सली धमका रहे निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, इस बात का ऐलान कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग के सामने में गंभीर विषय है और कल जो है सभी लोग मतदान कर सके इसकी व्यवस्था, कड़ी व्यवस्था हो वहां पे, जो हमारे बीएलओ है वो समय पर पहुंच जाए, बीएलए हमारे वहां पे चल दे और वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी सभी दल के लोग मिलकर मतदाताओं को ला सके, ऐसी व्यवस्थाएं हो। क्योंकि हमने प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर में नारायणपुर, कोंडा गांव, हम दंतेवाड़ा, हमने सुकमा, बीजापुर, हमने लगातार इसकी शिकायत किया था, कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं होने दे रहे थे। देखिए, निर्वाचन आयोग के सामने लिखित तौर पे, प्रमाणिक तौर पे हम लोगों ने टारगेट किलिंग के विषय में बात की। बहुत सारे इवेंट हुए हैं ऐप और ये दुनिया भर के जो चल रहा है घटनाएं, उन घटनाक्रमों को भी सिलसिलेवार उनके सामने रखा है और 24 घंटे पहले मतदान जो प्रथम चरण का होना है उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के सामने पेश होके पूरी बात कही है और उनको संवैधानिक अधिकार को प्रयोग करने के लिए आगाह किया गया है और ये बातें हम नीचे तक ले जाएंगे। आप सभी देख रहे थे सुरमई टाइम्स, मैं था आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। फॉर मोर अपडेट्स हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।